दोस्तों सभी कंपनियां नॉच डिस्प्ले के साथ अपने स्मार्टफोन उतार रही है, तो माइक्रोमैक्स ने सोचा कि मैं भी क्यों अपना नया स्मार्टफोन, अपने दो नए स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ उतारूं। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स भी लेकर आ गया है अपने दो नए स्मार्टफोन नॉच डिस्प्ले के साथ। एक है इन्फिनिटी माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N12 और दूसरा है माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N11। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N12 के बारे में और जानेंगे इस फोन के क्या है फीचर स्पेसिफिकेशन और क्या है इसकी डिजाइन। तो वीडियो को देखते रहना और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों माइक्रोमैक्स के इन्फिनिटी N12 में दी गई है 6.2 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ ही देखने को मिलेगा एक नॉच भी। और दोस्तों इसमें दी गई है 4000 mAh की बैटरी और दोस्तों कंपनी का दावा है कि इसे आप 3 घंटों तक यानी कि 30 घंटों तक यूज कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप 30 घंटों तक का है। अब दोस्तों इसकी जो रैम है उसकी बात करें तो इसमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी स्टोरेज को आप मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ा भी सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इस फोन की जो प्राइस है वो कितनी रखी गई है। दोस्तों इसकी जो प्राइस रखी गई है इंडिया में 9999 रुपये और दोस्तों माइक्रोमैक्स का जो इन्फिनिटी N11 है उसकी प्राइस इससे कम है। और इसमें दोस्तों दिया गया है मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर। तो देखते हैं कैसा स्मार्टफोन है। और दोस्तों इसकी जो बैक साइड है उसमें आपको दो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लू और पर्पल के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा रियलमी के स्मार्टफोन में के दो कलर के साथ स्मार्टफोन कैसा लगता है, उसी तरह दोस्तों इसमें भी दो कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। यानी कि दोस्तों माइक्रोमैक्स ने जो स्मार्टफोन निकाले हैं लॉन्च किए हैं वो काफ़ी स्टाइलिश देखने में कूल है। तो दोस्तों अगर आपको लेने का मन करे तो आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके बिना मत जाना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।